अरे यार, ये क्या इंसान है। एक तो पहले इतना ज़्यादा वेट कराया और अब अंधेरा करके बैठा है। तो पहले लाइट्स ऑन करते हैं, फिर हम बात करते हैं। यस गाइस, ये वीडियो मैं अपने सेटअप में शूट कर रहा हूँ। सॉरी, हम सब के अपने सेटअप में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो ये वीडियो तो मैं अपने सेटअप में शूट कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ ये वीडियो भी मैं अपने ही सेटअप में शूट कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी मैं हमारे ही सेटअप में शूट कर रहा हूँ। और क्या मतलब, ये वीडियो भी मैं अपने ही सेटअप में शूट कर रहा हूँ। यस, ये भी हम सबका अपना ही सेटअप है, और ये वीडियो भी मैं अपने ही सेटअप में शूट कर रहा हूँ। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को ना अपनी औकात जो है वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने कहाँ से शुरुआत की थी, और मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। मुझे अभी भी पता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। मैं आपको बताता हूँ, आप इस फोटो को देखिए, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और उसके बाद हम शिफ्ट हुए वहाँ पर जो आप फोटो में देख रहे हो। यहाँ पर ही मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई है, इस छोटी सी जगह में, इस कबाड़ खाने में काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है। उसके बाद फिर मैंने अपना एक खुद का एक सेटअप बनाया, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, सच कहूँ तो। उसका मैंने एक टूर भी दिया था 9 महीने पहले, और उसमें मैंने क्या कहा था आप खुद सुनिए। तो ये था हमारा सेटअप। आई नो कि इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप में से जो भी उस शादी से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमारा एक नया ऑफिस बन रहा है, तो उसका व्लॉग भी एक जरूर आएगा। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन व्लॉग जरूर आएगा। खैर, ये सब तो हो गया, अब इस स्टूडियो से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे का ओवरऑल एक अच्छे से टूर बनाते हैं। तो गाइज, इस स्टूडियो से बाहर हम आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब कोई वेट नहीं। अगर और वेट कराऊंगा तो शायद आप मुझे अपने घर से यहाँ पर मारने के लिए आ जाओ। तो कोई वेट नहीं, डायरेक्ट बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं इस गेट के अंदर, और हर चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। आ जाओ। सो हियर इज आवर स्टूडियो, एंड वेलकम टू दीपक देयर स्टूडियो टूर। तो गाइज, ये है हमारा स्टूडियो, हम सबका स्टूडियो। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर हम इंटर कर ही गए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम लॉक कर देते हैं गेट को। ओके, ये जो वाल दिख रही है आपको पहले से, इससे हमने इन हेक्सागोन से डिज़ाइन किया है। इसके पीछे लाइटिंग भी है, जो कि वीडियो में काफ़ी सही लगती है। आपने वीडियोज मतलब स्टार्टिंग में देखा ही होगा, वीडियो के इंट्रो में। मैं यहाँ से लाइट्स ऑन करता हूँ, लाइट्स ऑन। ये सारी लाइट्स ऑन है स्टूडियो के, इसलिए थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा, या फिर कैमरे में थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में काफ़ी अच्छा दिखता है। और जब लाइट्स बंद करते हैं तो काफ़ी कमाल का ही लुक देता है, और इसकी लाइट्स हम चेंज कर सकते हैं। फ़ोन से हम कोई सी भी लाइट इसकी रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, तो इस डोर के पीछे हमारी छोटी सी बालकनी, उसके मैं आपको ले चलूँगा। पहले स्टूडियो की हम बात करते हैं। ओके, एक टेबल यहाँ पर रखी हुई है, मतलब वीडियोज़ वगैरह में यूज़ करने के लिए मैंने टेबल एक्स्ट्रा एक बनवाई है यहीं पर खुद ही। बात करते हैं इस स्टूल की, तो ऐसे 3 स्टूल मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाए हैं, खुद ही कलर सेलेक्ट किया है, यहीं पर मैंने बनवाए हैं। ठीक है, कहीं ऑनलाइन डायरेक्ट परचेस नहीं किए, खुद ही मैंने यहीं पर कस्टमाइज करवाए हैं। इसके बाद में हम बात करें इधर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ग्लास, छोटा सा ग्लास लगा हुआ है। इस पर अभी मैं फिलहाल टू डू लिस्ट लिख रहा हूँ अपनी, कुछ भी टास्क होता है मेरे दिन का, कुछ भी होता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे देखते माइंड में आता है, और माइंड को तुरंत एक अलर्ट मिलता है कि हाँ, ये काम हमें करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, ये कुछ 2 प्लांट्स यहाँ पर है, ये इनको स्नेक प्लांट बोलते हैं। हम इंस्पायर्ड हुए संदीप माहेश्वरी सर से, उनके ऑफिस स्टोर में हमने देखा था ये प्लांट। उन्होंने बताया था कि ये प्लांट हाईली रिकमेंडेड है नासा द्वारा, क्योंकि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर हमने ये प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे बुक शेल्फ, वॉल शेल्फ जो भी कहें। तो यहाँ पर ये कुछ बुक्स हमने यहाँ पर रखी हुई है, कुछ बुक्स यहाँ पर है, और भी कुछ बुक्स है कई सारी, वो हमने एडिटिंग रूम में रखी हुई है, वहाँ पर भी मैं आपको ले चलूँगा। देखिए, यूट्यूब का पिल्लो यहाँ पर है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी सही लगता है। वैसे सोफ़ा हमारा यहाँ पर रखने का है, अभी लाए नहीं हैं हम। सो इस सेल्फ की बात हो गई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपने एक फ़र्क देखा होगा दोस्तों, जब मैं बाहर था तो वॉइस में बहुत ज़्यादा इको आ रहा था, यहाँ पर आपको 1% भी इको नहीं मिलेगा। मेरे पिछले वाले स्टूडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा इको साउंड आता होगा शायद, वॉइस इतनी अच्छी नहीं आती, इतनी क्लियर नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर वॉइस मिलेगी। पता है क्यों? इसको हमने ओकोस्टिक ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाया है। इसके लिए हमने क्या करवाया है, आप ऊपर नज़र डालो हल्की सी, ये जो POP आपको दिख रही है ना, ये शीट दिख रही है आपको 2x2 की, ये साउंड प्रूफ है, हमारी साउंड को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में जब हमने POP करा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया पहले से। उसके बाद में हमने जो फर्श यहाँ पर बिछाया फैब्रिक का, तो इसमें आप देखोगे तो ये काफ़ी मोटा है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो इन दोनों ने तो पूरी तरह से साउंड ऑब्जर्व कर ही लिया है, तो जो भी आता है ना उसको साउंड में अलग ही फर्क दिखता है यहाँ पर। इसके बाद में सामने वाली वॉल पर अगर नजर डालोगे तो सबसे ज्यादा काम हमने इसी वॉल पर करवाया है, और इसी के बारे में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे। पीछे वाली वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां पर इस वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में ये जो पीछे आपको दिख रही है वॉल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी, इधर वाली वॉल की।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पौधा है, मतलब ये प्लांट अभी हम लाए हैं, मैं खुद भूल गया इसे क्या बोलते हैं, जो भी हो इसे अभी हम लाए हैं, तो इसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, टाइम से सही हो जाएगी। एक ये बल्ब यहाँ पर लैंप हमने लगवा रखा है, काफ़ी सही लगता है वीडियो बैकग्राउंड में, वॉर्म कलर में चलता है, तो आपने वीडियो में देखा होगा काफ़ी सही लगता है। इंस्टाग्राम की रील में भी शायद आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में यही था, तो इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो कई सारी चीज़ें पहले से ही पता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और इस वॉल पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी हमने प्लेन रखा, ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ें भी काफ़ी सही लगती है। इस पर हमने प्ले बटन्स लगाए हुए, हमारा दीपक दिया चैनल का सिल्वर प्ले बटन जो सबसे पहले आया था, दीपक दिया चैनल का गोल्ड प्ले बटन इसके बाद आया था, उसके बाद में दीपक दिया 2.0 चैनल का सिल्वर प्ले बटन। अब उम्मीद है कि दीपक दिया 2.0 का गोल्ड प्ले बटन भी आएगा, और ये जो जगह हमने छोड़ रखी है यहाँ पर लगाएंगे जल्दी से। इसके बाद में गोडोक्स की सॉफ्टबॉक्स लाइट है, पिछले सेटअप ने आपने अम्ब्रेला लाइट देखी होगी मेरे, इसमें उसकी क्वालिटी ना बिल्कुल सही नहीं थी, मतलब बहुत हार्श लाइटिंग उससे आती थी, मतलब फेल जाती थी। ये एक जगह फोकस रखता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लाइटिंग देता है, तो मतलब बहुत सही लुक आता है वीडियोस, मतलब वीडियो की क्वालिटी देना आपको अलग ही दिखेगी आने वाली वीडियोस में। एक चीज़ बताना भूल गया जो कि मुझे स्टार्टिंग बतानी चाहिए थी, कि स्टूडियो की जो साइज़ है वो है 12x20, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक परफेक्ट साइज़ कह सकते हैं। हाँ, मेरे लिए तो मैं मान सकता हूँ कि परफेक्ट है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए या तो ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कईयों के लिए थोड़ा छोटा हो सकता है, तो जो भी हो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि सारी चीज़ हमने यहाँ पर मैंने खुद ही अपने हिसाब से करी है। बात करें इस लाइट को मैं थोड़ा इधर रखता हूँ पहले, इस वाली वॉल की, तो इस वॉल को भी हम ऐसा बैकग्राउंड, मतलब इस स्टूडियो में तो लगभग हर चीज़ हम ऐसा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से इसे डिज़ाइन किया है मैंने, क्योंकि इसका कलर वगैरह सब इस टाइप डिज़ाइन हुआ है, लेकिन फिर भी इस वॉल को हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ करेंगे वीडियोज़ में। एक साइड में अपनी ये ट्यूबलाइट देख रहे होंगे विप्रो की, ये वीडियो में साइड से या फिर बैक लाइट में काफ़ी सही लगती है, और कलर चेंजिंग है, फ़ोन से हम कलर से चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सही है, इसकी क्वालिटी काफ़ी कमाल की आती है, मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है और आगे भी होगी। अब बात करते हैं हमारे इस सेटअप का सबसे सुंदर, जो क्या कहें, पार्ट है, वो है हमारा ये हमारा डेस्क सेटअप। इसमें मतलब पूरे दिल से मैंने बनाया और एक एक चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट की जितनी भी दिख रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर की, तो ये ग्रीन सोनी गेमिंग चेयर है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, तो इसका अभी का जो रिव्यू है लगभग काफ़ी सही चेयर है, बहुत सही है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, पहले इसका मैं यूज़ करूँगा अच्छे से कुछ और महीने, उसके बाद में आपको शायद रिव्यू दूँगा इसका। टेबल की बात करें तो ये जो टेबल है ना, ये मैंने खुद ही साइज सेलेक्ट की है, यहीं पर बनवाई है, और सिर्फ टेबल का प्राइस आप मानोगे नहीं 20,000 है यहाँ पर, सिर्फ टेबल का प्राइस, क्योंकि इस पर जो ऊपर ये शीट लगी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 18,000 रुपये की तो ये सिर्फ शीट है विथ इंस्टॉलेशन। साइज इसकी मैंने अपने हिसाब से रखी है, कुछ अधिकतर काम यहाँ पर बैठकर करना है, रिसर्च करनी है, कंटेंट कंज्यूम करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी करना है, तो अधिकतर काम मैं खुद ही यहाँ पर बैठकर करूँगा पर्सनली, तो उसके लिए थोड़ी फ्री स्पेस मुझे यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी से बड़ी बनवाई है। कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड यहाँ पर मैं एप्पल का यूज़ कर रहा हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, माउस लॉजिटेक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ये नीचे है, जितना इन्होंने पैसा लिया है ना उतना असर ही दिखा नहीं रहे। इसके बाद में बात करें तो ये यहाँ पर हमारा मैकबुक रखा हुआ है, मैकबुक के स्टैंड पर। इसके बाद बात करें स्पीकर्स की, तो ये है क्रिएटिव पेबल 2.0 स्पीकर। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मैंने ऑनलाइन परचेस की ना, उन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो ऑफलाइन परचेस की वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ ऑफलाइन परचेस की। ओके, ये प्लांट्स आप देख रहे होंगे दोनों तरफ, एक वहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है ये भी। इसके बाद बात करें डिस्प्ले की, तो पहले बता चुका हूँ मैं, ये LG की IPS 2K मॉनिटर है, ये काफ़ी सही है, इसका 75 Hz का रिफ्रेश रेट है, बहुत सही डिस्प्ले है। इसके बाद में एक नोटबुक और एक पेन, ये मैं अपनी डेस्क पर हमेशा रखता हूँ, चाहे मैं पहले जो जहाँ पर स्टूडियो था वहाँ पर, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी कॉपी तो हमेशा एक पर्सनली होती थी मेरे यूट्यूब के लिए, और अभी भी मैं पर्सनली रखता हूँ। गूगल डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभार मन होता है मेरा कॉपी में लिखने का, कुछ भी थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी वो मन करा ऑफलाइन स्क्रिप्ट लिखूँ, कुछ भी आइडिया आता है, कुछ भी होता है लिख देता हूँ। इसके बाद में एक लैंप यहाँ पर है, ये भी कलर चेंजिंग है, यहाँ टच करेंगे बंद हो जाएगा, ये वॉर्म वाइट है, ये सुपर वाइट यानी वाइट, और ये वॉर्म कलर काफ़ी सही लगता है डेस्क पर। इसके बाद में इस तरफ अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर दो फ्रेम है, ये फ्रेम भी मैंने खुद ही कस्टमाइज़ की है, और मैंने बनवाई है, पहले प्रिंट निकलवाया और फिर उसके बाद में इसकी फ्रेम डिज़ाइन करवा के अपने हिसाब से साइज़ सेलेक्ट करके लगाई है। बाकी ऑनलाइन अगर हम परचेस करते हैं तो कोर्स उनके हिसाब से होता है, साइज़ उनके हिसाब से होती है, डिज़ाइन उनके हिसाब से होती है, फॉन्ट कलर सब उनके हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही, क्योंकि यार इनका बहुत बड़ा असर होता है। एक और यहाँ पर आप दो वॉल शेल्फ है, ये इधर मैकबुक का बॉक्स रखा हुआ है, इधर बात करें तो एक और मैंने फ्रेम लगवा रखी है, इस एक ही फ्रेम में 5 हमें यहाँ पर आइडियाज़ मिलते हैं। पर आप देखोगे तो एक ग्रास का पट्टा हमने लगाया हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो पट्टा है पूरा हम शायद इस वाली वॉल पर भी कर लें। इधर एक विंडो है, इस कर्टन को मैं ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो है, जब हवा चाहिए हमें तो इसको खोल सकते हैं, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं पाती है सुबह शाम। अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं, वीडियोस बना रहे हैं।
ये कर्टन आप देखोगे तो इसमें इसकी खासियत है, अगर आपको धूप चाहिए तो आप उजाला चाहिए तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, मतलब यहाँ से धूप आएगी, लेकिन अगर आपको धूप नहीं चाहिए, उजाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम इसे पूरी तरह से इस टाइप से क्लोज कर सकते हैं। और आपने एक बात नोटिस की होगी, इस स्टूडियो में अधिकतर चीज़ें वाइट एंड आपको ग्रे ही मिलेगी। यहाँ की पीओ ऊपर की जो आप देखोगे, ये सीलिंग्स वाइट है, नीचे का कारपेट ग्रे है, एक वॉल यहाँ पर है वो ग्रे है, बाकी जितनी वॉल्स है सारी व्हाइट से, बुक शेल्फ व्हाइट है, ये वॉल शेल्फ भी व्हाइट है, ये जो टेबल्स मैंने बनवाई दोनों व्हाइट है, स्टूल मैंने आपको बताया तीन ये भी व्हाइट है, मतलब व्हाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन स्टूडियो में है ना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। मैं कई सारे को देखता हूँ येलो और ब्लू कलर और एक और ग्रीन कलर, व्हाइट भी उसमें मिक्स, सब कलर मिक्स कर लेते हैं, मुझे इतना पसंद नहीं है, है ना, व्हाइट और ग्रे से अच्छा कोई कलर है ही नहीं। अगर आप कन्फ्यूज हो व्हाइट और ग्रे रख लो, बैकग्राउंड में बहुत मस्त लगते हैं वीडियो के बैकग्राउंड में, और बहुत सही लगते हैं, व्हाइट और ग्रे का तो कोई तोड़ है ही नहीं। लगभग यहाँ का मैंने आपको पूरा टूर दे दिया है, कुछ मिसिंग आई डोंट थिंक लगता, हाँ एसी की यहाँ पर बस ज़रूरत है, अभी दो फैन हमने लगा रखे हैं, ये फैन जो है मैंने इंदौर से परचेज किए थे, फैन एक यहाँ पर एक वहाँ पर है। इस साइड आप देखोगे तो एसी का ये पोर्ट हमने छोड़ा रखा है, एसी लगवाएंगे, कभी भी लगवा सकते हैं, कोई वो फिक्स नहीं है अभी। अब हम बात करते हैं, इससे बाहर चलते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ एडिटिंग रूम में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो शूट होंगे, मैं जनरली मेरा पर्सनल जो वर्क होगा, पर्सनल जो काम होता है, स्क्रिप्ट लिखना, रिसर्च करना, कंटेंट कंज्यूम करना, काफी सारी चीज़ें होती है, वो सारी पर्सनली मैं यहीं पर करूंगा। एक तरह से ये मेरा केबिन भी बोल सकते हैं, ऑफिस भी बोल सकते हैं, सेटअप भी बोल सकते हैं, स्टूडियो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको डिजाइन इस तरह से किया है। इसके बाद हम बाहर चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो डोर है वो ग्लास के लगवाया ताकि बाहर की जो वॉइस है वो अंदर ना आए और अंदर की जो साउंड है एडिटिंग करते टाइम वो बाहर ना जाए। ये है हमारा एडिटिंग रूम, कई सारे लोग इसको पहले देख चुके थे, स्टार्टिंग में मैंने एक शिफ्टिंग का ब्लॉग बनाया तो उसमें दिखाया था, लेकिन ये सिर्फ फर्नीचर था, यहाँ पर पीसी नहीं रखे हुए थे, वॉल शेल पर कुछ चीज़ें नहीं थी, सफाई यहाँ पर नहीं थी, अब सफाई भी है, काम भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर वीडियो भी एडिट हो चुके हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं काफ़ी। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो फर्नीचर पूरा वाइट कराया, चेयर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारी टीम में जो काम करते हैं उनके लिए मैंने काफ़ी सही चेयर मतलब ली है और काफ़ी हाई क्वालिटी की, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है, इसका जो सर था ना वो यूज़ में आता नहीं था ज़्यादा, तो हमने निकलवा दिया, प्राइस थोड़ी कम हो गई तो सर ऊपर आता है वो निकलवा दिया हमने। इधर आप देखोगे यहाँ पर कुछ स्कूल की शेल्फ पर स्कूल की कुछ ट्रॉफीज मैंने जीती थी वो रखी हुई है, सिल्वर प्ले बटन गोल्डन प्ले बटन के साथ में सर्टिफिकेट आते हैं उनकी मैंने फ्रेम बनवा रखी है, पहले भी आपने देखा होगा। ये कुछ बुक्स है जो यहाँ पर रखी हुई है, कुछ बुक्स है जो कि फ्रेंड्स ले गए पढ़ने के लिए, यहाँ पर भी ये जो ये भी आर्टिफिशियल है, मैंने पूरा सेट मंगवाया था, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ये भी। उनके ड्रॉर्स में अगर आप देखोगे तो हर ड्रॉर्स में कुछ ना कुछ जाकर मिलेगा आपको, एग्जांपल के लिए ये ड्रॉर हमने खोला, इसमें कुछ ना कुछ है, केबल्स, बॉक्स, बिल्स, ना जाने कितनी सारी चीज़ें जो हर इसमें रखी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है, इसमें भरा पड़ा है, इसमें रखा हुआ है और इसमें भी रखे हुए हैं बॉक्स, मतलब बहुत चीज़ें जो कि ओके। सो इसमें यहाँ पर थोड़ी इको है, ट्राई करेंगे टाइम के साथ में यहाँ पर भी कुछ इको के लिए हम कुछ सॉल्यूशन करें, शायद वो वाली ओकोस्टिक वाली पीओपी करानी, या फिर ओकोस्टिक वाला जो कालीन हमने वहाँ पर रखा है वो यहाँ पर करवा लें। हर चीज़ मैंने खुद ही करी है तो इसलिए बहुत टाइम लगा, बारीक से बारीक चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़े तो टाइम बहुत लगा और उनसे काम करवाना पड़ा तो इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर से चलते हैं हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो में ले चलूँ, उससे पहले आपको इस रूम का बता दूँ, ये बेडरूम है, इसको नहीं दिखाएं तो अच्छा है, इधर आ जाओ। इसके बाद में इस रूम की बात करें तो इस रूम को अभी हम एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे हैं, ये किचन टाइप बनाया लेकिन अभी हम इसे स्टोर रूम यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो मेन किचन है घर का वो नीचे है, मॉड्यूलर किचन है, अच्छे से बनाया हुआ है, ये हम यहाँ पर गेट लगा देते हैं और साउंड में आप फर्क देख सकते हैं। सो हाँ, एक चीज़ मिसिंग हो गई, बालकनी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बालकनी में आपको ले चलता हूँ, छोटी सी बालकनी है इसमें, तो बालकनी देखोगे आप, ये हमारे घर की बालकनी छोटी है। तो लगभग हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टूडियो टूर आपको चाहिए था, स्टूडियो टूर भी मिल गया, काम हमारा बंद था मतलब फिर से स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी हमने, दीपक दया चैनल पर तो वीडियोस आ भी चुके हैं। सो ये था हमारा स्टूडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, बाकी इसमें और क्या हो सकता है इंप्रूवमेंट, वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको क्या चाहिए, फिर से हम रेगुलर बेस पर काम स्टार्ट करेंगे और पहले से ज़्यादा वीडियोस देने का आपको ट्राई करूँगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियोस देने का ट्राई करूँगा। काफ़ी सारी मतलब इस लिमिटेशन थी जो वहाँ पर थी, लेकिन उन लिमिटेशन को यहाँ पर मैंने हटा दिया है, सो इसलिए यहाँ पर थोड़ा काम अच्छे से होगा, ज़्यादा होगा, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से होगा, प्रोडक्टिव होंगे हम यहाँ पर ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, मिस हो गई थी, फिर से बता देता हूँ, सॉरी। आप अगर नज़र डालोगे यहाँ पर इस डेस्क सेटअप पर तो इस पूरे में ना बीच में या फिर कहीं पर ज़्यादा वायर्स वगैरह नहीं दिखेगी, एक्चुअल में है बहुत वायर्स, मैं आपको देखता हूँ बिहाइंड द सीन भी, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। आप इधर आइएगा तो इधर आप देखोगे, यहाँ पर देखो पीछे की साइड आप देखोगे तो देखो इस एक स्ट्रिप लाइट लगी हुई है, काफ़ी सारी वायर्स है जो कि हमने टेबल के या फिर इस मॉनिटर स्टैंड के सारे एग्जैक्ट इस टाइप से एडजस्ट किए कि ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी ना दिखे, बहुत बारीकी से हमने सारी चीज़ें की यहाँ पर, मतलब बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए सेटअप पूरा,
जितना क्लीन होगा आपका माइंड भी उतना ज्यादा क्लीन होगा। एनवायरनमेंट से आपके माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अपने काम करने के प्लेस, जो भी आप वर्क करने का जो भी आपका प्लेस है, उसको थोड़ा क्लीन रखने की कोशिश करें। ओके, तो लगभग आप मैंने पूरा बता दिया, अब ज्यादा पकाऊंगा नहीं, स्टूडियो देखना था देख लिया। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियोज जो आने वाले हैं काफी हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं, काफी सारे टॉपिक्स जो कि मुझे वहां बनाने थे नहीं बना पाया, वो टॉपिक्स भी हम यहाँ पर बनाएंगे उन टॉपिक्स पर वीडियो। सो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।